आइए अब अल्कीन जो है उसकी कॉमन नेमिंग या ट्राइबल नेमिंग जो है वो कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। तो एल्केन जो होता है इसमें प्राइमरी जो सफिक्स होता है एन होता है, जबकि एल्कीन जो हमारा होगा उसमें प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो इलीन होगा। तो एन हटा के हम इलीन जो है वो ऐड कर देते हैं, तो एल्काइलीन जो होगा वो कॉमन नेम में या ट्राइबल नेम में यूज किया जाएगा। तो एल्कीन की कॉमन नेम में जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, इलीन होता है। फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इसको डेजिग्नेट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम ग्रीक लेटर यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का यूज करते हैं। तो एल्कीन की कॉमन नेम या ट्राइबल नेम में है, प्राइमरी जो सफिक्स होगा वो इलीन होगा, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो करने के लिए ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा का यूज करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल लिखा होगा CH3CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्फा वहां से स्टार्ट करना है जहां पे डबल बॉन्ड जिस टर्मिनल से नियरेस्ट होता है, तो अल्फा वहां लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये चारों कार्बन की हमने नंबर दे दिया। अब इसकी नेमिंग जो होगी वो ये अल्फा कार्बन पे ही डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो अल्फा ब्यूटाइल लीन, फोर कार्बन है तो होगा ब्यूट, और वाई एल ई इलीन जो है इसका सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, कब, जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं या फिर ट्राइबल नेमिंग करते हैं तब। अब अगर हमने डबल बॉन्ड को सेकेंड कार्बन पे लगाया हुआ है तो अब अल्फा यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पे ही आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से भी सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड मिला, तो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये बीटा पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बीटा ब्यूटाइलीन बोलेंगे, क्योंकि फोर कार्बन है तो ब्यूट आएगा, तो बीटा ब्यूटाइलीन, तो बीटा शो कर रहा है किसको, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसको, ब्यूट मतलब इसका जो फोर कार्बन होता है, तो फोर कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, और इलीन जो है इसका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इसलिए ब्यूटाइलीन होगा। आइए अब अल्कीन की जो है वो IUPAC नेमिंग करते हैं, वो उसको कैसे किया जाता है। तो अल्कीन में एन जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है, जब हम एन को हटा के ईन जो है वो ऐड कर देते हैं तो अल्कीन जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ईन होता है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए हम अरेबिक न्यूमेरल्स का यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 ETC का यूज करते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमने लिखा हुआ है, हमें इसकी नंबरिंग करना है, ये कार्बन चेन है, हमें इसकी नंबरिंग करना है, इसके यहाँ IUPAC नेमिंग करनी है। तो नंबर वन उस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड जो होता है, जिस एंड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होता है, तो नंबर वन हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए इसका जो नेम होगा 1-butene, तो 1-butene इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा, क्योंकि फोर कार्बन है तो ब्यूट आएगा, ईन जो है इसका प्राइमरी सफिक्स होता है, किसका, एल्कीन का। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अब डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे लगा होगा, अब नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4 या यहां से 1 2 3 4, आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2-butene, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आएगा 2, और ब्यूट मतलब फोर कार्बन, इन मतलब इसका प्राइमरी सफिक्स है, तो ये उसकी नेमिंग हो गई। हमारे पास में एल्कीन के कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी हमें IUPAC नेमिंग और ट्राइबल नेम या कॉमन नेमिंग करनी है, तो आइए करते हैं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये पहला कंपाउंड है हमारे पास में, दो कार्बन होता है तो एच पढ़ा जाता है, और डबल बॉन्ड है तो ईन होता है, तो IUPAC में जो प्राइमरी सफिक्स होता है ईन होता है, तो एच ईन। अगर कॉमन नेम और या ट्राइबल नेम में बात करें तो एल्कीन का जो सफिक्स होगा वो इलीन होगा, तो एच आइलीन हो जाएगा, तो ये एथाइलीन पढ़ा जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये सेकंड मेंबर है, ये तीन कार्बन का कंपाउंड है, और डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे, हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े जिस टर्मिनल से, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये प्रोपीन हो जाएगा या प्रोप वन ईन हो जाएगा, ठीक है, या 1-propene कह सकते हैं आप इसको। तो चूंकि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो आपको
नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, वन लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्रोपीन ही पड़ा जाएगा। और ये आईयूपीएसी में तो प्रोपीन हो गया, और कॉमन नेम में क्या होगा, प्रोपाइलीन हो जाएगा। तो लीन जो है इसका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इसलिए प्रोपाइलीन हो गया। और प्रोप क्यों, क्योंकि ये तीन कार्बन का कंपाउंड है। अगर चार कार्बन का कंपाउंड है तो क्या होगा, ब्यूट वन ईन, या इसको हम ब्यूटीन पढ़ सकते हैं, या वन ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके से लिखा जा सकता है। और इसको हम अल्फा ब्यूटाइलीन बोलेंगे कब, जब ट्राइबल नेमिंग करनी होगी तब। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस टर्मिनल से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, इसलिए वन टू थ्री फोर। और अगर हमें वो करना होता, क्या कॉमन नेमिंग में, कॉमन नेमिंग के लिए अल्फा ग्रीक लेटर यूज करते, बीटा गामा एंड डेल्टा यूज करते। पांच कार्बन का कंपाउंड है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको पेंट वन ईन या पेंटीन बोला जाएगा, या वन पेंटीन कह सकते हो, ठीक है। तो नंबरिंग हमको यहाँ से करनी है, वन टू थ्री फोर। और कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा इधर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इधर से वन टू थ्री फोर एंड फाइव, और अल्फा बीटा कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहीं से। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा, और ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक। तो पेंट वन ईन या अल्फा पेंटाइलीन, अगर पांच कार्बन का कंपाउंड है और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट टू ईन आईयूपीएसी नेम में पड़ा जाएगा, और बीटा पेंटाइलीन जो होगा वो कॉमन नेम में आएगा। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव इस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, एंड अल्फा बीटा, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट टू ईन पड़ा, और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए बीटा पेंटाइलीन। ये कहाँ होगा, ये कॉमन नेम में होगा। फिर छह कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्स वन ईन, या इसको आप केवल हेक्सीन पढ़ सकते हो। और कॉमन नेम में बताना है तो हमें अल्फा हेक्साइलीन, या केवल आप हेक्साइलीन लिख सकते हो, अल्फा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर पे सिक्स कार्बन का कंपाउंड है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हमको हेक्स टू ईन पढ़ेंगे। और अब इधर पे जो होगा वो बीटा हेक्साइलीन होगा, क्योंकि अल्फा ये होगा तो बीटा ये होगा, तो बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे थर्ड कार्बन, छह कार्बन का कंपाउंड है, थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हेक्स थ्री ईन आएगा, और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे जो होगा गामा हेक्साइलीन जो है वो आएगा। तो इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। आप इधर से भी कर सकते थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि थर्ड नंबर पे इधर से भी आता इस टर्मिनल से, और थर्ड नंबर पे इस टर्मिनल से भी पड़ रहा था, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, फिर इसके बाद जो भी हो, ठीक है। तो आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो। तो ये गामा हेक्साइलीन हो जाएगा, या हेक्स थ्री ईन जो है वो हो जाएगा। तो ये जो एल्कीन का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेमिंग हमने की है अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।